नमस्कार मित्रों, मैं अपने इस वीडियो में एक रामायण से जुड़ित लोक प्रचलित कथा सीता माँ की उत्पत्ति के संदर्भ में है और इस संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो वैज्ञानिक आधार क्या था, क्या सचमुच में सीता माँ वो जमीन से निकली थी या धरती माँ की गोद से निकली हुई थी। यह इस संदर्भ में जो है कि हमारे जो शोधकर्ता हैं प्रोफेसर श्यामलाल जी, उनके माध्यम से मैं आपको बताना प्रयास करूँगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि इस लोक प्रथा की जो वैज्ञानिक आधार जो श्यामलाल जी द्वारा दिया जा रहा है, मेरा उससे सहमत या चैनल का उससे सहमत असहमत होना आवश्यक नहीं है। ये चूंकि प्रोफेसर के शोध के आधार पर अपने उनके अपने विचार हैं। तो मित्रों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीता माँ की धरती की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या सचमुच में धरती माँ से उत्पन्न हुई थी उनकी या नहीं हुई थी, इस संदर्भ में आपको इस कथा की ओर ले चलता हूँ। देखिए, माता सीता की उत्पत्ति से जुड़ी एक कथा मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। एक कथा ये है, सबसे ये है कि तुलसी ने भी लिखा है, वाल्मीकि ने भी लिखा है कि जनक जी हल जोत रहे थे। हल कौन जोतता है? किसान लोग हल जोतते हैं। तो किसान हल जोत रहे थे, केवल अलग जगह जनक जी ही नहीं थे, बहुत से किसान हल जोत रहे थे। और किसान ये सोचता है कि तड़के सुबह सुबह हम खेत जोत लें, जिससे सूर्योदय के पहले, हम धूप से धूप निकलने के पहले हमारी खेत की जुताई हो जाए। तो सभी के किसान अपना खेत जोत रहे थे, जनक भी किसान थे, तभी तो वो जोत रहे थे खेत। और जोतते जोतते खेत, थोड़ी देर बाद उन्हें हल के पास से ऐसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़ पड़े। अरे यार, यहाँ से बच्चा कहाँ से रो रहा है? वो गोदी में उठा लिया, देखा कि यह एक लड़की है। ये घटना है, लड़की खेत में पड़ी थी या घरे में पड़ी थी, जो भी कहानी करी तो लड़की को उठा लिया। घटना ये है, हम मानते हैं सच है। तो और तुलसीदास ने उत्तर दिया, तुलसीदास से भी पूछा या किसी से पूछा होगा कि अरे यार, लड़की आई कहाँ से इस खेत में? इस कहानी का शीर्षक है ये लड़की कहाँ से आई। तो ये लड़की कहाँ से आई खेत में? तो तुलसीदास जैसा लाल बुझक्कर बोला कि अरे, वो रावण जो है खून लेता है ब्राह्मणों का, और वही खून टैक्स के रूप में जो लिया था, घड़े में रख करके बंद करके जमीन के अंदर गाड़ दिया था, उसी से ये लड़की पैदा हुई। यह एक कहानी सारे समाज में प्रचलित है। आज के संदर्भ में हम देखें तो कोई यह मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि घड़े में रखा हुआ खून, उससे बच्चा पैदा हो गया, क्योंकि खून निकलते ही जम जाता है। मेरी दृष्टि से मैंने देखा कि सच क्या है। तो किसान खेत जोत रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि सुबह सुबह लोग खेत जोत लेते हैं ताकि धूप निकलने से पहले खेत की जुताई हो जाए, और वो लड़की मिल गई। लड़की ने उठा लिया जनक ने। सारे किसान, अरे देखो यार, इधर आओ, इधर आओ भैया, देखो देखो यहाँ लड़की पड़ी थी यार। ठीक है, सब सोचने लगे कि ये लड़की आई कहाँ से। आज के किसान सोच रहे हैं, आई कहाँ से? लोगों ने कहा, नाजायज संतान तो उस समय होती नहीं थी, इसलिए कोई फेंक गया होगा नाजायज संतान, ऐसा हो नहीं सकता। सभी किसानों ने कहा कि हमारे समय कोई नाजायज होती नहीं उस समय, तो इसलिए नाजायज संतान होगी नहीं, जैसा कि आजकल लोग कह सकते हैं कि कोई फेंक गया होगा। और खून से लड़की पैदा नहीं होती। तब तक उधर एक लाल बुझक्कर जा रहा था किसान, अरे पंडित जी, पंडित जी इधर आइए, आइए देखिए। तो वो आगे, उन्होंने देखा कि बोले, यार पंडित जी बताओ यार, यहाँ एक लड़की पड़ी थी, कहाँ से आ गई? तो उन्होंने वही कहानी सुना दी जो रटे हुए थे कि घड़े में रखा था रावण ने खून रख कर लेकर के, उसी से लड़का पैदा हुई। अब के किसान ने कह रहे, पागल है तू, कैसा रहा लाल बुझक्कड़ है, हमको मूर्ख बना रहा, हम नहीं जानते कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। अरे बेवकूफ, कई बार झूठे के लाल बुझक्कड़ बना घूम रहा है। अरे बच्चे तो सब जानते हैं कैसे पैदा होते हैं, और खून निकलते ही जम जाता है, तुम कह रहे खून से पैदा हो गया, भाग यहां से। फिर किसान सोचने लगे कि आखिर ये आई कहां से बच्ची यहां। एक ने कहा, यार यहाँ गले में उसके खरोंच लगी है, लगता है कोई जानवर, भेड़िया जैसा कोई जानवर लेके भाग रहा था, लोग दौड़ाए होंगे, इसी भागम भाग में वो लड़की गिर पड़ी होगी। हाँ यार, भेड़िया लेकर भागते हैं बच्चों को कभी कभी, भेड़िया अपने बच्चों के बीच में जिंदे बच्चे को भी रख देते हैं।
और आदमी का बच्चा भेड़िए के बच्चों के साथ जब बड़ा होता है तो चार पैर का भेड़िया हो जाता है, वैसे ही गुर्राता है, वैसे ही पानी पीता है, वैसे कच्चा मांस खाता है। ये ऐसी घटनाएं समाज में मिली हैं। पंजाब में सरदार जी खेत पे काम कर रहे थे, दो लड़कियां 18-20 वर्ष की नंगी पूरी नेकेड मेड़ों पे घूम रही थी, उछल कूद कर रही थी। सरदार जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये बड़ी बदतमीज लड़की है, इतनी बड़ी होकर नंगी घूम रही है। सही बात है, हाँ ये सच्ची घटना है। और सरदार जी ने कहा पकड़ो इन सबों को, दौड़ा कर घेर घार के पकड़ा, तो कई जगह नकोच लिया, बकोट लिया, काट लिया, गांव में ले आए। तो वो दोनों लड़कियां गुर्राती थी, जीप से पानी पीती थी भेड़िया की तरह, कुत्ता को देखा तो उसकी तरफ लपी, चावल रोटी दिया तो नहीं सूंघ के चली गई, मांस दिया कच्चा तो खाने लगी। ये सच्ची घटना है। तो सरदार जब वैज्ञानिकों के पास पहुंची, समाज वैज्ञानिकों के पास, मैं भी समाज वैज्ञानिक हूं, उनका नाम रखा है अमला और कमला, क्योंकि ये भेड़िया के बीच में पले थे इसलिए भेड़िया ऐसे हो गए थे। 18-20 वर्ष तक जो व्यक्ति भेड़िया के बीच में पलेगा वो हो ही जाएगा। हम जो दो पैर के आदमी बने हैं, अपने मम्मी पापा भाई वगैरह वगैरह गांव के लोगों रिश्तेदार के लोगों के कारण, समाज के कारण हम लोग दो पैर पे खड़े हुए आदमी हैं, नहीं तो भेड़िया के बीच में पले होते तो भेड़िया बन जाते जैसे अमला और कमला। ऐसे ही रामू नामक एक लड़का जंगल से ट्रेन गुजर रही थी तो उसमें घुस गया डिब्बे में, और चार पैर से इधर उधर भाग रहा था, वो भी 18 वर्ष का लड़का था। देखिए इतना बड़ा लड़का हट्टा कट्टा लग रहा है, चार पैर से क्यों घूम रहा है, तो लखनऊ स्टेशन पे इसे पकड़ा गया, इसका नाम रखा गया रामू। ऐसे ही अमेरिका में कास्पर हाउस अन्ना पकड़ा गया। अभी मैं समझता हूँ कि 15-18 वर्ष पहले प्रतापगढ़ में एक दूधिया बाल्टा लिए दूध का अपना मोटरसाइकिल पे या साइकिल पे लादे हुए लेकर जा रहा था, उसने भेड़ियों के झुंड में देखा एक आदमी का बच्चा, तो उसने बाल्टा रोका और दौड़ाया, वो मांद में घुस गया तो पकड़ के खींचा, उसके शरीर पे बाल थे बड़े बड़े, तो उसका समाज वैज्ञानिकों ने नाम रखा भालू। ये बच्चे आदमी के थे, पैदा हुए थे आदमी के पेट से, लेकिन भेड़िया बन गए। तो कोई भेड़िया लेके भाग रहा होगा इस बच्ची को, और लोग दौड़ाए होंगे, इसी भागा भाग में गिर पड़ी होगी, ये पड़ी रही और भोर की ठंडी हवा बही और उसे होश आ गया, रोने लगी और जनक जी ने उठा लिया। हाँ यार ये बात तो सही लग रही है, देखो देखो किधर से आया होगा भेड़िया लेकर के। एक ने कहा देखो यार पंजे का निशान जा रहा है इधर, बोले ये तो जाने का है, देखो आने का किधर से है, तो गीली जमीन पे या जुती हुई जमीन पे पंजे दिख गए। तो उसके उल्टे चलते चलते ये लोग आए तो देखा एक पेड़ के नीचे घेरा बना हुआ झाड़ झंकाड़ का, और उसके बाहर भीड़ लगी है, एक माँ छाती पीट पीट के चिल्ला रहे हाय मेरी बिटिया हाय मेरी बिटिया। ये लोग ठिटक गए, रुक गए, बोले लगता है इसी घर की ये बिटिया है। ये लोग उसके पास पहुंचे, माँ ने देखा हाँ है मेरी बिटिया है, लपकी लेने के लिए। फिर उसने हाथ खींच लिया, हाथ जोड़ के बोली भगवान आप लोग बड़े लोग हैं, हम तो देख रहे हैं कैसे घर में रहते हैं, हमारे यहाँ रहेगी तो हम ही जैसा हो जाएगी, आप बड़े लोग हैं आप ही रखो इसे, कम से कम मेरी बिटिया जिंदा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए तो मर गई थी, आपने मौत के मुंह से बचाया है। हम लोग तो सो रहे थे, भेड़िया लेके भागा, घर घर की आवाज हुई, पता चला कि भेड़िया लेके भाग रहा है, लोग दौड़ाए और इसी भाग भाग में अंधेरे में वो भेड़िया गुम हो गया, बिटिया कहीं गिर गई होगी। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि मेरी बिटिया आपके पास है, मुझे ज्यादा खुशी होगी आपके पास रहेगी तो, देखिए आपकी गोद में ये बिटिया कितनी खुश है, आप ही देखिए। जनक के पास कोई बच्चा नहीं था, न लड़की न लड़का कुछ था नहीं, कोई औलाद नहीं थी। लोगों ने कहा रख लो जनक यार, वाकई में सही है, बड़ी भाग्यशाली लड़की है, तुमने मौत के मुंह से बचाया है। जनक उसको ले करके आए, और वो चूंकि सीता माने होता है हल्की फाल, तो फाल के नीचे से मिली थी इसलिए उसका नाम रखा सीता, और वही सीता राम को ब्याही गई, जिसे लोगों ने भगवान के रूप में हम सब याद करते हैं, सीता वही राम की पत्नी के रूप में याद की गई। तो मुझे लगा कि ये ज्यादा सच कहानी है, अब जो सच हो भाई आपको अपने ऊपर निर्भर करता है कि जो सच हो उसे स्वीकार करें।
इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा इस संदर्भ मुझे जरूर अवगत कराइएगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह का वीडियो, धार्मिक वीडियो मिलता रहे, वैज्ञानिक तथ्य से संबंधित आपको वीडियो मिलता रहे।